इतनी रियल सिचुएशन थी वो, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट बहुत समय में एज एन एक्टर फील नहीं हुआ। जब इस तरीके का रोल होते हैं टेक्स टोल ऑन यू एक्चुअली। मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है आपकी अब तक। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है सब है। दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आज जिस कहानी की कहानी सुनने आया हूँ उसका नाम है भक्षक, एक फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। ये कहानी असली घटनाओं से प्रेरणा लेती है लेकिन असल में भारत के किसी भी शहर, भारत के किसी भी मोहल्ले, किसी कस्बे की कहानी हो सकती है। स्वागत है हमारे मेहमानों का, आदित्य श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, पुनी पेडनेकर। आज की कहानी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक बच्चों के शेल्टर के इर्द गिर्द है। ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण कथानक आगे बढ़ता है। आजकल ये फ्रेज आ गया है गुड टच बैड टच, बट बैड टच हैज एग्जिस्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एक शेल्टर की कहानी नहीं है ये, समाज की कहानी। बिल्कुल, और बहुत केसेस में ये होता है दैट लड़कियां अपने घरों में भी सेफ नहीं होती। बिल्कुल, जैसा आपने बहुत करेक्टली कहा कि एक शेल्टर की कहानी नहीं है, ये एक लड़की होने की एग्जिस्टेंस की कहानी है। एंड ये सिर्फ एक लड़की तक सीमित नहीं है, अगर आप वल्नरेबल है ये आपकी कहानी है। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, वैसा काफ़ी बार हुआ है जहाँ पे मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं हुआ। यू नो, स्कूलों के बाहर आप देखते हो ग्रोन मैन आर डूइंग सेक्सुअल एक्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की जो एक गंदगी है, जो सोच है, और एक एक जहाँ पे एक सर्टेन जेंडर को लगता है कि वो ये कर सकते हैं क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है। अब वो प्रिविलेज आपकी सोशल बैकिंग से नहीं आती, वो आपकी थिंकिंग से आती है क्योंकि आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ। और ये बात चली जाएगी क्योंकि कितने लोग आवाज़ उठाते हैं, कितनी बच्चियों में वो हिम्मत होती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारी फिल्म है वो इन बच्चों की कहानी है जिनके जिनके माता पिता नहीं के माता पिता नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं जो जाके कहेगा कि तुम ठीक हो। एक्चुअली फिल्म में एक लाइव डायलॉग कि कोई जाकर उन बच्चियों से पूछेगा नहीं कि तुम ठीक हो, उनको ये भी नहीं पता उनके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हमारी फिल्म उनके बारे में है लेकिन ये एक सिकनेस है जो छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे, ये अभी जेंडर के बियॉन्ड जा चुकी है। तो आपकी बात रहे वो, उसका हमने व्यक्तिगत पक्ष भी देखा है। परिवार दबाव डाल रहा है कि बच्चा होना चाहिए, करियर को लेके, एम्बिशंस को लेके, इस सब पे आप क्या सोचती हैं? सर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरे लिए ये कहानी बच्चों से थोड़ी ज़्यादा फ्रॉड थी। बिल्कुल, मुझे वैशाली सिंह बनना है अपनी लाइफ एज अ वुमन ऑफ एनी एज, आप बच्ची हो या आप एक 60 साल की औरत हो, आप पे सोसाइटल जो कंडीशनिंग है वो उतनी है, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो इट डज नॉट मैटर। तो मेरे लिए वो कनेक्ट वैशाली के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैं बॉम्बे की, मेरी पैदाइश है, यू नो, वो एक छोटे शहर की लड़की है लेकिन हमारा एम्बिशन सेम है, उसमें इतना करेज है। वो लड़की नहीं है जो कुछ गलत होते देखेगी और चुप रह जाएगी, वो सोचेगी भी नहीं, वो तब के तब एक्शन लेगी। और मुद्दा है उसमें, और उसी से मुझे इंस्पिरेशन चाहिए थी। और यू नो, कई बार आप एक जब एक अर्बन सोसाइटी में रहते हैं आपके ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकती, मैं कैसे कहूँ। एंड आई रियली होप कि जितने भी लोग इस फिल्म को देखें लोगों में वो हिम्मत फिर से आए। यू नो, फिल्म में इतनी खूबसूरत लाइनें हैं जहाँ पे मेरा किरदार फिर से एक लाइन कहता है कि जब हमारे घर में होगा ना तब हमें रियलाइज होगा कि ये रियलिटी है। तो अगर आप करियर बायस की बात करें या बच्चा होने के दबाव की बात करें, ये हम सबकी रियलिटी है। मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, मेरी माँ नहीं कहती होगी लेकिन आसपास चर्चा वही है कि यू नो 30 के ऊपर होगी या शादी नहीं कर रही। लोगों की आंखों में मेरी लाइफ तब कंप्लीट होगी जब मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, पर मैं तो सेटल हूँ, मैं इससे ज़्यादा सेटल तो हो नहीं सकती और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये हमने एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बनाया हुआ है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ। आई थिंक हम सब, यू नो, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, हमारी कोशिश, हमारे इस फिल्म के बियॉन्ड भी अगर आप हमारा काम देखें, हमारी कोशिश यही है कि हम
धीरे धीरे अलग अलग किरदार करते हुए, अलग अलग फिल्म्स को सपोर्ट करते हुए यही करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सोच बदले, तो इसे मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। मुझे सबसे खूबसूरत, सबसे सशक्त इस फिल्म के बारे में ये लगा कि इसमें कोई विभत्सता देखी नहीं हमने, हमको उस थॉट का पावर महसूस होता है, क्योंकि ये भी एक नए तरीके की वॉयरिज्म हो गई है जी, टिटिलेशन हो गया है जी, बिकॉज अंटिल अ पॉइंट सेक्स सोल्ड Now violence has started, sir. Yes. सब कुछ नहीं था इसमें। जब पुलकित आए थे, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो मतलब ही इज ब्रिलियंट, आई थिंक मतलब ये तो ही इज ब्रिलियंट, आप फिल्म देख चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली कहा कि मेरा पहला सवाल उनसे ये था, तब तक नरेशन नहीं हुई थी, मैंने कहा आप एक कितनी सेंसिटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि हम हमारी फिल्म के थ्रू भी कहीं ना कहीं एक लेवल का शोषण कर रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट बिफोर आई कुड इवन एड्रेस इट उन्होंने एड्रेस किया था वो, उन्होंने कहा हम चाहते हैं ये फिल्म का इम्पैक्ट बहुत डीप हो, लेकिन ये फिल्म देखी जाए, तो ये फिल्म आप देख सकोगे, पेन महसूस कर सकोगे, पेन महसूस, जैसे आपने कहा उस थॉट का पेन आप महसूस कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे आप, ये फिल्म आपके साथ रह जाती है, आप इसको आसानी से अपने जहन से नहीं, कुछ एक आर्टिकल नहीं है जो आप 10-1 मिनट में पढ़ के आगे बढ़ रहे हो, और बहुत आसान होता है ऐसे विषयों में उस तरह की जो विजुअल टिटिलेशन में जाना, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं लिया डायरेक्टर ने, बिल्कुल भी नहीं, वो शॉर्टकट स्क्रिप्ट ने नहीं लिया, और ओपनिंग सीक्वेंसेस फिल्म को कदर, बड़ी ताकत है, वो ओपनिंग सीन बहुत बड़ा दर्द दिखाता, लेकिन फिर भी उस कमरे के अंदर दाखिल नहीं, नहीं। आप वो जब दाखिल कमरे से बाहर निकल के शमशान में आता है, काम उसका है, लेकिन वो जो वहाँ का डोम है उसको भी माँ की गाली देता है, तो गलत करके आए ऊपर से एक और गलत, और वो जैसे समझता है कि कुछ नाम वही जात एन आइडेंटिटी लॉस, कि करेगा कौन बिना पहचान का, एक व्यक्ति जिसकी पहचान खत्म की जा चुकी है रात के अंधेरे में, जिसको कभी किसी को पता नहीं, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर सबटेक्स्ट में घुसेंगे तो वो बच्ची का चेहरा याद नहीं होता, जहाँ पर वो पूछ रहा होता ना नाम, नहीं जात, एक पूरे इंसानियत पर क्वेश्चन मार्क, कि किसी भी एक इंसान को आप लाए जला के खत्म करो, और ये सेंस ऑफ पावर कि मैं इस कड़वी सच्चाई को मिटा सकता हूँ, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, ये तो कभी थी ही नहीं, और ये जो सेंस ऑफ पावर आपके पात्र में आया है, बंसी साहू के पात्र में, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जो वही एंटाइटलमेंट है कि जब आपको टोल पे 200 रुपए देने से के लिए बोला जाता है तो आप टोल फोड़ देते हैं, वही एंटाइटलमेंट आपका जो पहला सीन है, इनफैक्ट भूमि के कैरेक्टर के साथ, और वो जो पावर इक्वेशन है उसका बताइए थोड़ा, तो लगता है उनके लिए जो सामने वाला आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जो जिस तरीके से उनका दिमाग वर्क करता है, पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं, जो जहाँ जहाँ पावर है, पुलिस में है, नेता में है, वो तो सब उनके हाथ में है, तो सामने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम क्या कर रहे हैं ये वाली है ना, ये लोग आए थे जो सीन में, तो पता नहीं उसमें एक ही चाय रखी चला गया था कोई अपना जो आदमी था, मतलब वो है कि नहीं है उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्वेश्चन तो पूछने की बात ही छोड़ दो, और मजा कब आता ना, ये शायद बोलती है बंसी के साथ चाय पियोगे, हम पर चाय मिलती नहीं है, चाय के उस पे है और योगा कर रहा है, ये वो जहां एंड आप कहते हो नहीं नहीं, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि आप हिपोक्रेसी देखिए, उनकी बेटी है जो आके पूजा की थाली दे रही है, ये पढ़ रही है, ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और देखो ये पत्रकार है, पटना से आई, बहुत बड़ी पत्रकार है, उसी के ना इनसे प्रेरित हो, फिर उसे कहना कि शादीशुदा लगती नहीं है, इसी समय में सब कुछ बहुत कुछ, हाँ बिल्कुल, और अगली बार आओगी तो फिर चाय भी शायद, पत्रकार तो हमने है, ऐसे लोगों को फेयर ही नहीं है ना, करेक्ट, कोई एक्सेस ही नहीं है कि कुछ उनके दिल को हिला जाए, हिलाया जा सके, या कोई जब फेयरनेस है तो जैसा चाहे वैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा चाहे वैसा बता रहे हैं, और अपनी बेटी को दिखा रहा है, ये मुझे बड़ा आयरनी लगा कि मतलब वो आ से वो तिलक भी लगाएगा, आरती भी करेगा, और साथ ही साथ कोशिश करेगा कि वैशाली से ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ ले। वो जब मैं सीन कर रही थी सर के साथ,
शुरुआत ऐसे होती है कि हम बैठे हुए हैं, आगे पांडे जी का पेट है, संजय जी बोल रहे हैं कि भास्कर जी जो उनका किरदार है कि वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं मैं पांडे जी खाऊं या नहीं खाऊं। वहां से जो सीन जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हम एग्जिट ले लेते हैं, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट बहुत समय में एज एन एक्टर फील नहीं हुआ, एज अ वुमन एक्चुअली फील नहीं हुआ। और एक कोने में बैठा हुआ एक बंदा, हाँ, और वो भी देख रहा है, तो मुझे इतना, इतनी रियल सिचुएशन थी वो, बिकॉज हम सब अपनी रियलिटी में जैसे इन सिचुएशंस में रह चुके हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में। मुझे, मैंने स्वेटर पहना हुआ है, फुल बाजू की कमीज है, यहाँ तक ढकी हुई हूँ मैं, लेकिन तब भी मुझे इतनी वायलेशन फील हुई थी उस सीन में। मतलब दिस ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द एक्टर, यू नो दैट जो आप पढ़ना नहीं चाहते, जो आप देखना नहीं चाहते, फिर आप एक्टर धर्म का पालन करते हैं, डिटैच होके जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो डायरेक्टर का व्यू है, उसको आपको परफॉर्म करना है, वो हमारा आम है। लेकिन वो द्वंद रहता है साथ में, एक ह्यूमन बीन भी साथ में चल रहा होता है, वो बीच बीच में परेशान करता है, वो अगर उसको उस तरीके से हम लोग जीवित नहीं करेंगे तो उसका वो इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। यही तो एक एक्टर की जिंदगी का एक मजा है। संजय जी जो कि एक्टिंग की चलती फिरती मास्टर क्लास है, क्या हो सर, मेरी दूसरी फिल्म है एक्चुअली आदित्य जी और संजय जी के साथ, मेरी पहली फिल्म दम लगा के हिस्सा थी, मेरी पहली फिल्म, तब मैंने उनका मैजिक देखा था। लेकिन इस फिल्म में मैंने एक्चुअली बहुत चीजें इनसे अब्सॉर्ब की है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। एक जो होता है ना कि इतना एक्सपीरियंस और इतना टैलेंट, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि क्या हुआ है ना, कभी चीज़ तो हो सर, कभी किसी पे हावी नहीं हो, उन्होंने सिर्फ चीज़ें बढ़ाई है। और पता है इस फिल्म की खूबसूरती ये है, मैंने हाल ही में मेरी टीम के साथ देखी है, वो करीब 20 लोग थे जो ये फिल्म देख रहे थे, और जब आप बहुत जुड़े होते हो ना, आप कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव भूल जाते हो, वो थ्रू द फिल्म ना इतनी ग्रिम सब्जेक्ट पे फिल्म है, लेकिन वो हंस रहे थे एट द पॉइंट ऑफ कहाँ पे रिलीफ इन्होंने जो चीजें ऐड करवाई, जो इनका रिलेशनशिप है, हेडफोन में तार लगा है, वो लैंप का है, हाँ, एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है, इस फिल्म में किसी हेलमेट वाला, वो बहुत टेंस सिचुएशन है जहाँ हमारी हीरोइन बिल्कुल थक गई, एक ब्रिज पे खड़ी, वहां पे उसको एक बाप चाहिए, एक बड़ा भाई चाहिए, हस्बैंड से भी एक किस्म का बॉक्सिंग है, वैसा कुछ चाहिए कि एक प्रोटेक्शन चाहिए एक गर्ल को, और वो भास्कर जो है उसका एक ऐसा लगा रहा और गाना शुरू होता है। या जो फर्स्ट हमारा सीन था जहाँ पे हम आपके घर आते हैं, वहां पे पिक्चर संजय जी देख के बोल, योगा कर रहे हैं, देखा कैसे सोच लेते हैं ये सब, और इनकी जो रिलेशनशिप नहीं, अ लॉट ऑफ इट इज इम्प्रोवाइज्ड, जो इनकी रिलेशनशिप है, जो खबरी होता है, क्या रिलेशन, क्या इक्वेशन है दोनों की, खबरी भी बहुत मस्त, बढ़िया भी रहती है, और सर ये सब सेट पे हुआ है, ये सब सेट पे हुआ है, ये जो जो केमिस्ट्री आप देख रहे हैं ना, एंड आर डायरेक्टर पुलकित को मुझे इतना मतलब श्रेय देना पड़ेगा उसका, कुछ वो उसका पूरा होल था हमारे किरदारों पे, पर वो छोड़ देता स्पेस कि आप अपनी केमिस्ट्री ढूंढिए, इतना फेथ दिखाया उसने, और सर तभी मजा आता है। एक अच्छी परफॉर्म, अच्छी फिल्म कब बनती है, जब आपको पता है कि डायरेक्टर को पता है वो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, तब आप फुल्ली अपने परफॉर्मेंस में घुस जाते हैं। तो जो भी फिनोमिनल केमिस्ट्री आप देखते हैं परफॉर्मेंस, और छोटे से छोटे किरदार से लेके फिल्म की जो मेन कोर कास्ट है, जो हम यहाँ बैठे हुए, सब बिल्कुल। एक याद है तुम्हें, हम लोग एक पुलकित डायरेक्टर का नाम पुलकित, पुलकित पुलकित एक वंदे मातरम में आता था पुलकित, जो आप एंड में वो एंड में गाना है, व्हाट अ टूल, गूज़बम्प्स,
आया कहीं वो कि अरे यार डायरेक्टर का नाम पुलकित है, पुलकित उसमें आता है ना उस गाने में, तो ये भी शुरू हो गई विद द बैक टू द कैमरा। और हम पूरी यूनिट गा रहे हैं वहाँ पे, जो जो थोड़ा अपना सुर में थे कुछ बाहर जाके गाए, लेकिन उसको हमने बाद में शूट भी किया, वो वैसे निकला। वो ये चीजें एक टेबल पर लिखी जाती है, पहले तो दिमाग में लाई जाती है। इसलिए मैं हमेशा एक्टर्स को कहता हूँ, पूछो मत डायरेक्टर से कि सर मैं ये करूँ, उसका पूरा भी हिस्ट्री आ जाएगा। ये नहीं भाई मत कर कुछ, मैंने भाई मुश्किल से और जो तुम करके दिखा दो। मतलब हम सीन्स कैसे करते थे, ठीक है बैठे हुए हैं, अब हम बैठे हुए हैं कि क्या करना है ना, तो उसका एक बेसिक पुलकित का रहता था। फिर संजय जी बोलते थे काम कर वैशाली ना, हम मटर छींचते हैं कि वो रात के खाने की तैयारी कर रही है ना। अब उससे पूरा फैब्रिक बदल गया है सीन का जी। और आपकी बात भी होती है आपके हस्बैंड से, हाँ। कि तुम थोड़ा चावल और थोड़ा दाल चावल। वो सीन मेरा एक्चुअली फेवरेट सीन है फिल्म का, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। जहां जाए इसके अपने स्ट्रगल है ना, जो मेहमान बड़ा अच्छा शब्द, मेहमान मेहमान एकदम अलग ही, जो जो इसके अपने सीक्वेंस है ना, खुद के स्ट्रगल का, बाद में बच्चों के लिए मैं स्ट्रगल कर, पहले मैं खुद तो अपने घर में दिखा दूं कि मैं कुछ, मैं अपने आप को दिखा दूं। बहुत खूबसूरत, मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है आप अब तक। वो बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है सब है। एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होना या मैसेज होना आपके काम में कई बार दिखता है, ये डिलिबरेट है? आई थिंक सो। जब शुरुआत की थी तब मुझे लगा नहीं है, मुझे ना, पर मुझे मज़ा है इसमें आता है, मुझे सेटिस्फैक्शन इसमें आता है संजय जी, लगता है कि कुछ दिया और कुछ ऐसा दिया जो आगे वाली जनरेशंस भी वैल्यू करें। जो दूसरा एंड है स्पेक्ट्रम का, जो मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस होती है, जो कॉमेडीज होती है, आप सब तो दिग्गज जो उसके, उसमें भी मज़ा आता है, लेकिन उसमें वो फीलिंग, वो फुलफिलमेंट नहीं आती। नाना पाटेकर अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत सही बात की थी कि अगर आप LIC में है या किसी कारपोरेट में है तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक्टर हैं ना तो पैसा फेम वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जैसे धूमभूमि का रोल, इस तरह की चीज़ें आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये हमारा फर्ज भी है और हक। मैं शुरुआत में बहुत सारी फिल्में ऐसे ही करते जा रहा था, पैसा आएगा मस्ती करो ठीक है, इसी काम के लिए आए। मेरे जब दोनों बच्चियां पैदा हो गई, 3 साल की हो गई, जब वो पाँ पाँ ऐसे ऐसे करती थी, मैंने कहा अरे यार इसका मतलब ये, इनको मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी फिल्म देखो। अच्छा अभी हाँ पापा तो तेरी मतलब ये देख रहे, आने वाले सालों में मैं इनको क्या दूंगा, कि आपके नहीं रहने पर वो कहेंगे कि हाँ यार मेरे पापा ने एक अक्षत फिल्म की थी। मैं जब जब फिल्म देखा हूँ भूमि, मैं पल और लव दोनों बच्चों को मैं बहुत रिलेट करता हूँ इस फिल्म से। एज अ फादर आपको मैंने बताइए फिल्म हिला देती, इसके भी दोनों बच्चे हैं। मैंने परसों देखी ये फिल्म और मैं गाई बज गया था रात का जब मैंने ख़त्म किया, और सो मेरी बेटी वैदी बगल में सो रही थी, उस वक्त यही लगा कि ये फिल्म पिताओं के लिए होनी चाहिए, पिता देखें इसको, कि आप खासकर जब बेटी और बेटा दोनों आपके परिवार में, और आप बेटे को एक तरह की डील दे रहे हैं कि उसको एक तरह की हद तक जाने की इजाज़त है, क्योंकि लड़के हैं भूल हो जाती है, वहीं से तो ये भक्षण पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, it comes out of poor parenting to begin with. Yes, absolutely. Poor parenting, completely agreed. वो भी हम एक educated class की बात कर रहे हैं, है ना, जिनके पास access हो उस knowledge का। आप थोड़ा और अंदर घुसिए, थोड़ा और अगर अंदर जाएंगे रहा पे, तो even the women are supportive of what's happening, क्योंकि उनको लगता है यही तरीका है। वहाँ पे छोटी उम्र में आपकी शादी हो जाती है, देयर इज मैरिटल रेप, देयर इज वायलेंस, कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एजुकेशन है, कि हम हमारा इकोसिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हम कैसे, जिन्हें पता नहीं हम सबके, हम हमारे यहाँ है वो लोग, पूरा फैमिली वो अपने विलेजेस में छोड़कर आ रहे हैं, हम उनको कैसे बताएं कि आप वापस जाके अगर ऐसा कुछ कर रहे हो वो गलत है, या अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है तो गलत है,
और अगर हम स्पेसिफिकली इन शेल्टर होम्स की बात करें या ये जो बालिका गृह है उनकी बात करें, हमारे आसपास हो रहा है ये। यहाँ पे तो चक्कर ये है कि उनको उनका तो कोई नहीं है यहाँ, तो अभी हम फैमिली और वैल्यूज की बातें कर रहे हैं। कोई है जो सोचेगा तो फिर वो बोलेगा कि अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से कुछ, उसको जहाँ पे हरियाणा ये तो पॉलिसी मेकर्स को दिखानी चाहिए पिक्चर भाई। बिल्कुल, कलेक्टरों को दिखानी चाहिए। कलेक्टर वहाँ का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के हेड होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वही वो पेरेंट है वहाँ। वो जब आप ये बालिका सुधार गृह में उसके बंद दरवाजों के भीतर क्या हो रहा है आप जा थोड़ी सकते हो। हमारे रिपोर्टर भी जब जाते हैं भाई, माथा पच्ची करनी पड़ती है, किसी को खुशामद करनी पड़ आप इट्स लाइक अ जेल। वो जेल ही तो है, और ऐसा जेल जिसके अंदर का कोई जो कानून है उस पर आप किसी का वो उनका मनमर्जी, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कई सारी जो फिल्में हैं जो मैंने हाल में देखी हैं वो पत्रकारिता से बेहतर पत्रकारिता कर रही है, और पत्रकारिता सिर्फ फिल्मी होती है। पत्रकारिता से बेहतर पत्रकारिता, वेरी गुड। इतना सशक्त जी, ऐसी सिनेमा, ऐसी फिल्में जिस सब्जेक्ट पे बात कर रही है, तो बहुत सारे लोग तो सोसाइटी में जान के अनजान बने रहते हैं, जानते भी हैं लेकिन वो उसमें डायलॉग भी है ना, जब आपके ऊपर आता है तब शायद जगता है। तो कम से कम कुछ आँख तो खुले, कहीं पे कुछ हिलाने की कोशिश तो करे आदमी को। हम आप अभी यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, पता नहीं किसी छोटे शहर में ये चीज हो रही हो इस वक्त। बिल्कुल, इसी वक्त बिल्कुल। अब हमेशा कोई ना कोई अट्रोसिटी वायलेशन की खबर अभी नॉर्मल हो गया। ऐसी स्टडीज होने लग गई है दैट देयर आर कुछ क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नॉर्मल हो गया है, घरों में हो रहा है। तो मतलब मैं जितना पढ़ती हूँ उतना ही गुस्सा आता है। उसके साथ आप कहीं मजबूरी का एहसास होता है। हाँ, एज अ सिटीजन और इवन एज अ जर्नलिस्ट, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, जब हम इस फील्ड में आए थे तो हम खबर लिखते थे और खबर कोई अधिकारी पढ़ता था, वो उससे या तो डरता था या अफेक्ट होता था और फिर कुछ बदलाव आता। लेकिन हम ऐसे थिक स्किन्ड वर्ल्ड में हैं आज, इतनी मोटी चमड़ी है हमारे समाज की, कि पत्रकार चाहे जिस भी छत पे ढोल बजा लें, ऐसा लगता है कि बदलाव की संभावना बहुत मुश्किल है। एट अ टाइम व्हेन आई हैव लॉस्ट फेथ इन जर्नलिज्म, इट्स आयरोनिकल कि एक फिल्म देख के मुझे, इस फिल्म ने मुझे जामवंत की तरह याद दिलाया जी अपनी शक्तियों के बारे। जब बात कर रहे थे हम लोग, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो एक बात हो रही थी कि हमें इंडिया के अच्छे पत्रकार जो अभी भी सोचते हैं कि बात करें, ऐसे पत्रकारों को दिखाना है ये फिल्म, चाहे वो हम पर्सनली दिखाएं, चाहे कि गुरु। और ये फिल्म एक किताब है पत्रकारिता को, ये नहीं कि देखिए केस कैसे सुलझाया। देखिए शुरुआत में आपको ये होना हो, आप जिस, और आपके पास पावर कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जिस ऑफिस है, कोशिश नहीं उसको, ऐसे दफ्तर देखे हैं मैंने, ऐसे दफ्तर मैंने रांची में, जमशेदपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में, ऐसे लोग देखे हैं जो आइडियलिज्म के साथ पत्रकारिता में आते हैं, और वो किसी न किसी ऐसे ही दो कमरे के एग्जैक्टली मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा सो ऑथेंटिक। ये मैं गया हूँ ऐसे ऐसे दफ्तरों में गया हूँ मैं, निकलती पपड़ी वाली दीवारें, वो पुराने पर्दे, वो वहीं पे खाना भी है, वहीं पे शूट भी हो रहा है। इट स्टेड विद मी, भारत के छोटे शहर के, भारत के कस्बे के, उसको आवाज़ देती है, उसको एक एक, एक पहचान देती है। मुझे इतनी खुशी हो रही, आई एम फीलिंग रिलेट करते हैं। हाँ, और अगर हम सर हम यही थॉट तो प्रोवोक करना चाहते थे इस फिल्म से। तुम्हारी लास्ट की लाइन है जो आप पढ़ती हैं और जिसके बाद फिल्म खत्म होता है, बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं चाहता हूँ वो आदित्य पढ़े। बिल्कुल, क्योंकि पिक्चर देख के आदित्य आदित्य का कैरेक्टर है ना इतना गंदा लगता है, तो मैं चाहता हूँ आदित्य पढ़े। क्या फर्क पड़ता है आज मुनव्वरपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा, दो दिन गुस्सा रहेगा शायद, कुछ लोगों को बुरा भी लगे, ट्विटर फेसबुक पर अपने हिस्से की संवेदना जाहिर कर लेंगे, वो भी हैशटैग के साथ, कुछ संवेदना राजनीतिक होंगी, कुछ शायद तब जागे जब किसी अपने के साथ कुछ हो जाए। चाहे कुछ भी हो, फर्क कुछ खास नहीं पड़ेगा। दरअसल फेसबुकिया जिंदगी में हमारे एहसास किसी शून्य से हो गए हैं, शून्य समझते हैं ना,
इन बच्चों की खबर किसी अखबार में छपेगी, हो सकता है वो जगह भी कोई इश्तेहार वाला खरीद लेगा। मीडिया वो दिखाएगा जिससे टीआरपी बतोरी जा सके। सूट बूट पहने टीवी एंकर आपको कहानी के अलग अलग पहलू तो बताएंगे, मगर सच क्या होगा उसका पता नहीं। आपके और हमारे पास भी ऐसी कई चीजें हैं जो इन सबसे जरूरी है। समय कम है ना, ऐसे बच्चियों की बलात्कार की खबर सुनकर कान बंद कर लेना ही अच्छा है। ठीक करते हैं आप लोग, जब सुनेंगे ही नहीं तो संवेदना को फर्क कैसे पड़ेगा। सिर्फ वही सुनिए जिससे आपको मसाला मिले और टीवी चैनलों को टीआरपी। मुनव्वरपुर में बलात्कार की शिकार लड़कियां अनाथ थीं, इतनी छोटी बच्चियां जो शायद उनके साथ जो हुआ वो समझ भी नहीं पाई होंगी। आप और हम तो किस्मत वाले हैं जो छोटी छोटी बात अपनी माँ से कर लेते हैं। इनमें से कई लड़की ऐसी हैं जिन्होंने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी है, क्या फर्क पड़ता है। कल कुछ और होगा, परसों कुछ और, इतना सोचेंगे तो संवेदना जाग जाएगी, उसको सोने ही देते हैं। बस एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, अगर मन करे तो सोचिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरों के दुख पर दुखी होना भूल गए हैं क्या? क्या आपकी गिनती इंसानों में अभी भी होती है या आप भी भक्षक बन चुके हैं? कैमरामैन भास्कर सिन्हा के साथ वैशाली सिंह, कोशिश न्यूज पटना। लेकिन जब भूमि ने किया है इसका कोई जवाब नहीं है। माइंड ब्लोइंग। एक संयमित तरीके से इतना तीखा स्टेटमेंट। यही कोशिश है कि कुछ तो अवेयरनेस हो। सोती हुई जो सोसाइटी है, इस फिल्म को देख के सारी वैशाली सिंह तो ना बने, नहीं भी बन पाएंगी, लेकिन वो खबरी तो बन जाए जो वैशाली सिंह को जगा सकता है। कम से कम अवेयर तो हो जाए कि बगल बगल क्या हो रहा है। तब तक इंतजार करेंगे क्या जब तक अपनों के साथ होगा? एक ऐसी फिल्म जो कहीं भी विभत्स नहीं है, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो साथ साथ समाज की सबसे गंदी गहराइयों में जाती है और उम्मीद का एक मोती निकाल के आती है। भक्षक आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, देखिएगा ज़रूर। और सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग के मैसेज आप भेजते हैं, फूलों के गुलदस्ते, उनके साथ साथ अगर ये संदेश अपने आसपास, अपने ग्रुप, अपने दफ्तर के लोगों में पहुँचाएँ तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग बेहतर इंसान बन जाएँ। वाह,